हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट है, 350 किलोमीटर्स की रेंज वाला एक एक्चुअल प्रोडक्ट जो कि टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दे सकता है। देखो, सिट्रॉन कंपनी प्लान कर रही है एक इलेक्ट्रिक बड़े व्हीकल की। EC3 ऑलरेडी टाटा टियागो ईवी को स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन देती है, लेकिन C4 टाटा नेक्सॉन को बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन दे सकती है, क्योंकि सेफ्टी भी बेटर है, फीचर्स ज़्यादा मिल जाते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ बात खत्म नहीं होती, साइज़ और स्पेस भी आपको ज़्यादा मिल जाती है। और टाटा नेक्सॉन ईवी को एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन की ज़रूरत है। एक सेगमेंट में मोनोपोली होना अच्छी बात नहीं होती वैसे मेरे हिसाब से। एनीवेज, चलते हैं इसके फीचर्स और लुक्स के बारे में। सबसे पहले साइज़ का चार्ट आपके लिए यहाँ पर लगाया था, MG ZS EV और टाटा नेक्सॉन ईवी का भी प्रॉपर लगाया था। आई नो आप सोच रहे हो कि इसकी लेंथ ज़्यादा है तो टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स का कंपटीशन कैसे, बिकॉज सिट्रॉइन हमेशा से प्राइस रखती बहुत ज़्यादा अग्रेसिव। इसीलिए कह रहा हूँ कि टाटा नेक्सॉन ईवी को स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन मिलने वाला है। शुरुआत करते हैं इसके लुक से। ऑल LED हेडलैम्प सेटअप आपको मिल जाता है, जो कि सिट्रॉइन की LED विजन के साथ आता है, और आपको प्रॉपर रिफ्लेक्टर सिस्टम मिल जाता है, और LED ही DRLs, LED ही टर्न इंडिकेटर्स दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। वाई शेप आपको LED प्रॉपर DRLs मिल जाते हैं। ADAS का सेंसर, यानी कि इसमें ADAS फंक्शंस भी हैं, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, डिपार्चर वार्निंग और ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, सारी लिस्ट आपके लिए लगा देता हूँ। EC4 इसीलिए ज़्यादा हो जाती है सेफ। फॉग लैंप्स LED ही ऑफर किए जाते हैं, जो कि आपको प्रोजेक्टर मिल जाते हैं जिनकी विजिबिलिटी भी बहुत बढ़िया रहती है। आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं, वो भी प्रॉपर 6-6, तो सॉरी तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। बारी आती है इसके डिज़ाइन में, और स्पेसिफिकली बात करने की तो अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन इज सुपर्ब। बहुत ही कम कंपनियां जो अलॉय व्हील्स प्रॉपर प्रोवाइड करती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ। अब कंपनी कॉन्फिडेंट है कि लुक्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, तो आपको एक मैसिव साइज़ मिल जाता है अलॉय व्हील्स का, जो कि अगर सेक्शन एग्जैक्ट बताऊं तो 195/50 R18 आपको मिल जाते हैं वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक के साथ, ई की बैजिंग जैसे कि फ्रेंच में लिखा जाता है। और इतना ही नहीं, आपको मिल जाती हैं प्रॉपर एक डिज़ाइन भी बड़ी सनरूफ के साथ साथ, रिक्वेस्ट सेंसर ऑन द ड्राइवर साइड, प्रॉपर स्लोपिंग डिज़ाइन और 198mm की ग्राउंड क्लियरेंस भी। क्वार्टर विंडो पीछे तक आती हुई बहुत अच्छी लगती है। रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, तो सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। एंटीना मुझे लगता है कि ये वाला देना नहीं चाहिए था, शार्क फिन होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। पीछे की तरफ स्पॉइलर भी पीछे एक्सटेंड होता नजर आता है। LED टेल लैंप्स का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगता है। EC4 की बड़ी बैजिंग मिल जाती है, सिट्रॉन का बैज के साथ साथ यहाँ पर भी सिट्रॉन लिखा गया। और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी आपको प्रॉपर मिल जाते हैं, यानी कि 6-6, और रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आपको यहाँ पर प्रॉपर मिल जाता है। स्पेसिफिकली अगर बूट स्पेस की बात करूँ, तब आपको 360 लीटर्स का, आई थिंक बूट स्पेस जो है 380 लीटर्स की बूट स्पेस आपको ऑफर की जाती है, जिसको आप 60-40 रेशो में स्प्लिट भी कर सकते हो। अगर आप सीट्स को कर देते हो फोल्ड, तो 1250 लीटर्स की बूट स्पेस बन जाती है, तो वो एक मैसिव नंबर हो जाता है। चार्जिंग की स्पेसिफिकली बात करें, तो इस तरफ आपको चार्जिंग पोर्ट्स ऑप्शन मिल जाती है दो, तो आपके पास ऑप्शन रहती है उसको स्लो चार्ज करके लॉक लगाने के, बड़े चार्जर से यानी कि फास्ट चार्जर यूज़ करना चाहते हो तो वो भी मिल जाती है। हालांकि इसकी टाइप डिफरेंट है, इंडिया में जब आएगी तो CCS2 चार्जर आने वाला है। बताना चाहूँगा इसकी चार्जिंग स्पीड के बारे में, तो यहाँ पर एक चार्ट लगा देता हूँ। AC चार्जर 7 kW का भी है, 11 kW का भी है, 50 kW की सपोर्ट भी करता है, और 100 kW भी ये सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से आप इसे बहुत जल्दी चार्ज कर पाते हो, तो उस वजह से ये बहुत बढ़िया प्रोपोजिशन हो जाती है। चार्जिंग बढ़िया, सेफ्टी बढ़िया, इंटीरियर अभी आपको दिखा देता हूँ, वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। स्पेसिफिकली पावर की बात करें, तो 136 PS की पावर, 260 Nm का टॉर्क, 0-100 इन लेस देन 9.7 seconds, तो ये आपको एक अच्छी पावर टॉर्क मिल जाती है विद बैलेंस रेंज एज वेल। तो मोटर और बैटरी दोनों बहुत कैपेबल है, और मुझे लगता है कि एक प्रोडक्ट ऐसा है जो एक अच्छी एक्सप्रेशन के साथ साथ अच्छी लुक्स भी प्रोवाइड कर सकता है। चलिए डोर साइड की स्पेसिफिकली बात करें, तो स्पीकर सिस्टम आपको इस तरफ बॉटल बड़ी रख सकते हो, सैटिन क्रोम की फिनिशिंग मिल जाएगी, और ब्लू एसेंट्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि इलेक्ट्रिक को डिनोट करता है। हालांकि काफ़ी डल रखा गया है इसको, और थोड़े कलर्स चाहे आमरेस्ट पे रहते तो ज़्यादा अच्छा लगता, बट एनीवेज चलते हैं गाड़ी के अंदर और वो भी चीज़ दिखा देता हूँ। कंफर्ट के लिए आपको मिल जाती हैं प्रॉपर 8-way एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, जिसको आप स्लाइड रिक्लाइन सब कर सकते हो, लंबर सपोर्ट के साथ साथ आपको मिल जाती है यहाँ पर एक और बटन, जो कि आपको हीटेड भी प्रोवाइड करता है, और वेंटिलेटेड सीट्स भी है मिल जाती हैं, जिसका बटन आपको इस तरफ मिल जाएगा। बट इंटरेस्टिंगली यहाँ पर है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़, जिसमें आप क्लस्टर की ब्राइटनेस को चेंज कर सकते हो, डे एंड नाइट की ऑप्शन मिल जाती है साथ में उसकी, सॉरी क्लस्टर नहीं, HUD यानी कि हेड्स अप डिस्प्ले की एडजस्टमेंट आप यहाँ से कर सकते हो, और साथ में मिल जाती है आपको प्रॉपर टाइमर, जहाँ पर आप इसको
प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो एसी को और हीटर को। यहाँ पर आपको जो स्टेयरिंग व्हील है वो भी हीटेड मिल जाता है, लेन की वजह का बटन भी यहाँ पर ऑफर किया जाता है और हेडलाइट लेवलर तो मिल ही जाता है। स्टेयरिंग पर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिल जाते हैं ADAS के सारे फंक्शंस लेफ्ट साइड पे और वॉल्यूम कंट्रोल से लेकर वॉइस कमांड्स के फंक्शन सारे राइट साइड पे। जो एक स्टेयरिंग है इसका डिज़ाइन काफ़ी स्पोर्टी रखा गया, बट थोड़ा छोटा मुझे लग रहा है, हालांकि पकड़ने में सही लग रहा है। लेदर रैपिंग के साथ साथ हीटेड तो आपको मिल ही रहा है और यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग प्रोवाइडेड है जो कि काफ़ी डिफरेंट टच दे रहा है इसके स्टेयरिंग को। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो थोड़ा छोटा 5 इंचेस का ही दिया गया, जहाँ पर इन्फॉर्मेशन तो सारी आया थी, बट वही बात आ जाती है कि थोड़ा छोटा लगता है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए इन्होंने हेड्सअप डिस्प्ले दे दी कि बाकी इन्फॉर्मेशन आप हेड्सअप डिस्प्ले पे देखो। लेकिन टच स्क्रीन का डिज़ाइन, लेआउट, क्रिस्प एंड क्लैरिटी वो आपको टॉप नॉच मिल जाती है। 10 इंचेस की वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ, और इतना नहीं कनेक्टेड फीचर्स सिट्रॉइन के सारे मिल जाते हैं। अभी गाड़ी की बैटरी हो गई है लो, नहीं तो आपको स्क्रीन ऐसे दिखा देता, हमने इसे कल एक्सपीरियंस किया था। एनीवेज स्टोरेज ऑप्शंस आपको अलग अलग मिल जाती है। एक तो ये टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता क्या है, आई थिंक किसी तरीके का एक मोबाइल होल्डर टाइप का काम करता होगा को ड्राइवर के लिए, बट रियली डोंट नो। और अभी मेरे से इतना टाइम नहीं है कि मैं इनके स्टाफ से पूछूं, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन आपके पास मल्टीपल स्टोरेज ऑप्शन यहाँ मिल जाती हैं ऐसा कुछ नहीं, पता नहीं। एनीवेज आप बता देना, ठीक है। चलते हैं इसके ग्लव बॉक्स की तरफ, वो भी आपको मिल जाता है, काफ़ी ऑर्गेनाइज रखा गया। इस तरफ भी आपके पास अलग ऑप्शन है, नीचे भी बड़ी फाइल्स छोटी फाइल्स अलग अलग ऑप्शंस जो है वो आप रख सकते हो। इंटरेस्टिंग बात ये है कि वायरलेस चार्जर के साथ साथ टाइप सी यूएसबी पोर्ट, टाइप ए यूएसबी पोर्ट फॉर फास्ट चार्जिंग दोनों ही, और साथ में इसके एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के लिए भी। वॉल्यूम कंट्रोल, स्विच ऑफ यहाँ से, होम बटन और गाड़ी के फंक्शंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। गाड़ी को लॉक करना है तो यहाँ से कर सकते हो, इसका लॉक अनलॉक का बटन यहाँ है। हैजर्ड लैंप्स ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाता है। 12 वोल्ट का सॉकेट, नीचे बड़ी स्टोरेज, साथ के साथ आपको गियर चेंज करने के लिए गियर सिलेक्टर, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव और एक आपको ड्राइव मोड्स का बटन भी यहाँ पर मिल जाता है जो कि आप चेंज कर पाते हो। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक का फंक्शन यहाँ से, स्लाइड करोगे तो बड़े कप होल्डर्स रखने की ऑप्शन और आर्मरेस्ट भी आपको प्रॉपर मिल जाती है। हालांकि स्टोरेज वाइड है लेकिन डीप नहीं है, इस चीज़ का ध्यान जरूर रख लेना। स्लाइडिंग आर्मरेस्ट मिल जाती है तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसे एडजस्ट भी कर पाते हो। यूरोपियन है तो हेडलाइट के कंट्रोल लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर आपको इसके वाइपर कंट्रोल्स मिल जाते हैं। IRVM अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें किसी तरह की कोई एडजस्टमेंट नहीं दी गई, ना ही मैनुअल ना ही ऑटो, तो ये थोड़ा सा वियर्ड लगता है। मैनुअल एडजस्टमेंट भी मिल जाती है तो काफ़ी अच्छा लगता है वैसे, बट एनीवेज LED लाइट्स आपको इस तरफ मिल जाती है, रीडिंग लैंप्स जिसको हम कहते हैं, जिसकी ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है बट अभी कम हो रखी है बिकॉज अगेन बैटरी बिल्कुल ख़त्म है। बिकॉज यहाँ लोग इतने ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इस गाड़ी को और देखना चाह रहे हैं, उन्होंने कर दी बैटरी इसकी कंप्लीट ख़त्म। एनीवेज सनरूफ का कंट्रोल यहाँ मिल जाता है बिकॉज आपको और ये मैं आपको बताता हूँ, ये जो सनरूफ है ना काफ़ी यूनिक डिज़ाइन की दी गई है बिकॉज साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है इसका, पूरा जो शेड है वो आपको इस तरीके से मिल जाता है। मैनुअली आप इसे क्लोज कर सकते हो और यहाँ से सनरूफ ओपन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सीट्स मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, ये वाली भी आपको किसी हद तक इलेक्ट्रिकल मिल जाती है, यानी कि लंबा सपोर्ट इसका इलेक्ट्रिकल है, वेंटिलेटेड मिल जाती है, हीटेड मिल जाती है। रिक्लाइन जो है वो आपको बहुत ही अजीब तरीके से करना पड़ता है, रोटरी डायल दिया गया है यहाँ पर जिसको घुमा घुमा कर आपको यूज़ करना पड़ता है अगर आप इसे रिक्लाइन करना चाहते हो तो। लेकिन अगर सीट्स की साइज़ की बात करें वो अच्छा खासा आपको मिल जाता है, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रख लें। 4 स्पीकर सिस्टम, 2 ट्विटर्स, 6 एयरबैग्स, ABS, CBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा के साथ फिर मतलब वो तो पूरे तो कैमरा सेटअप तो मिल ही रहा है, और साथ में आपको मिल जाता है व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट, हिल डिसेंट, सब कुछ आपको इस गाड़ी में मिल जाता है सेफ्टी फीचर्स के लिए। रियर साइड ऑफ दिस EC4 यहाँ पर कंफर्ट तो अच्छा मिल जाता है बिकॉज सीट्स की क्वालिटी इज़ रियली गुड, बट ध्यान रखें दो ही लोग बैठ पाते हैं पीछे बिकॉज हम्प बहुत ज़्यादा बड़ा है। ट्रांसमिशन टनल नहीं, हम्प आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, तो फ्लोर अगर फ्लैट होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। टाइप ए पोर्ट्स दो मिल जाते हैं, रियर AC वेंट्स भी प्रॉपर मिलेंगे, स्टोरेज ऑप्शन अच्छी मिल जाती है, बट अगेन बीच में पर्सन का बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल है बिकॉज उसकी लेग्स फंसेंगी। लेकिन विर्थ ठीक फिर भी मिल जाती है, हेडरेस्ट प्रॉपर उनको एडजस्टेबल मिल जाते हैं, और अगर दो ही लोग ट्रैवल कर रहे हैं तब आपको प्रॉपर जो है वो मिल जाती है इसकी, यानी कि प्रॉपर कप होल्डर्स, फ़ोन रखने की जगह। बट यहाँ फ़ोन ना मेरे को सही नहीं लगता होता क्योंकि जितना फ़ोन ही अंदर जाता है उसके गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जब स्पीड ब्रेकर को जाता है। देखो सीधा तो भूल ही जाओ, गिरने के चांसेस रहते हैं, ऐसे फिर भी आप रख सकते हो लेकिन वो बजता सा रहेगा, तो इट्स बेटर इसको यहाँ रख लो, ज़्यादा सही रहता है टू बी ऑनेस्ट, यहाँ अंदर रख लो। ये मुझे टू बी ऑनेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। प्रॉपर आपको मिल जाती है एक कंपार्टमेंट इसको ओपन करने के लिए ताकि बूट को आप जो लंबी चीज़ें जो हैं वो रख पाओ यहाँ पर, क्योंकि ये यूरोपियन ब्रांड है तो लोग स्कीज़ अपने ट्रैवल करके साथ घूमते हैं तो वो स्कीज़ काफ़ी लंबे होते हैं तो वो आगे तक चले जाते हैं, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। एनीवेज लाइट की ब्राइटनेस अच्छी थी,
दो दो लाइट्स मिल जाती हैं ईच पैसेंजर के लिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। रेयर एसी वेंट्स की कूलिंग काफ़ी अच्छी है, दोपहर हमने इसको यूज़ किया था। सनरूफ का कंट्रोल आपको, सॉरी सनरूफ का व्यू आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और स्पीकर सिस्टम यूज़ नहीं कर पाया टू बी ऑनेस्ट, बट सिट्रॉयन के अभी तक हमने C3 में, C3 एयर क्रॉस में यूज़ किए, तो वो आपको डिसेंट क्वालिटी के मिल जाते हैं। हेडरूम ओकेश, नी रूम ओकेश, अंडर थाई सपोर्ट ओकेश, स्पेस उतनी ज़्यादा नहीं है बिकॉज जितना बड़ा इसका व्हील बेस है मैं स्पेस थोड़ी ज़्यादा बेटर एक्सपेक्ट कर रहा था। प्लीज़ अगर इंडिया में इसे जल्दी लाने का प्लान कर रहे हो ना, जो कि आप कर रहे हो मुझे पता है, तब उस टाइम पे स्पेस को थोड़ा और प्रायोरिटी दे देना। अब मेरे हिसाब से EC4 को अगला प्रोडक्ट यानी कि 2024 में लॉन्च जब कंपनी की तरफ से किया जाएगा, एक प्रॉमिसिंग व्हीकल होने वाला है। टाटा नेक्सॉन EV, MG ZS EV, महिंद्रा XUV 4AA को एक जो EV वाली है प्रॉपर, उसको बहुत सॉलिड कॉम्पिटिशन ये देने वाली है। सिर्फ इसका जो वॉल माउंट वाला चार्जर है वो 28 आवर्स लेता है इसको पूरा चार्ज करने में, वही थोड़ा सा स्लो है, लेकिन उसके अलावा इसमें आपको बढ़िया 50 kWh की बैटरी सपोर्ट जो मिलता है वो पावर भी अच्छी प्रोवाइड करता है, टॉर्क इंस्टेंट मिल जाती है जिसकी वजह से आपको कभी भी कमी महसूस नहीं होगी पावर की, रेंज एंजाइटी भी काफ़ी कम रहती है, रियल रेंज भी आपको 300 किलोमीटर्स के आराम से मिल जाएगी। EC4 एक काफ़ी प्रॉमिसिंग व्हीकल है, मुझे इसे काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस है। व्हाट डू यू थिंक नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। दिस वॉज एवरीथिंग रिगार्डिंग द C4। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, यहाँ तक देख लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।